40 वोट हासिल किए हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने 42 वोट हासिल किए हैं। इस दौरान 7 वोट मुस्तरद हुए हैं और सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह ने चेयरमैन सेनेट, नौ मुंतखब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हलफ लेने के लिए बुला लिया है। इस वक्त नौ मुंतखब चेयरमैन सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के ओहदे का हलफ उठाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको आगाह करते चलें कि सादिक संजरानी 48 वोट के साथ चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं, जबकि यूसुफ रजा गिलानी 42 वोट के साथ जो है वो ये इंतखाब हार चुके हैं। आपको बताते चलें कि सादिक संजरानी को इस वक्त सदरनशीन सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह ने हल्फ बर्दारी के लिए बुला लिया है और इस वक्त जो है वो सादिक संजरानी साहब अपने ओहदे का हल्फ उठाने वाले। नाज़रीन, इस वक्त आप ये मनाज़िर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। सादिक संजरानी साहब जो है वो इस वक्त हल्फ बर्दारी के लिए सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब के पास मौजूद हैं। अब से कुछ देर में वो हल्फ उठा लेंगे और नाज़रीन, हल्फ बर्दारी की तकरीब इस वक्त शुरू हो गई है। सादिक संजरानी साहब जो है वो इस वक्त चेयरमैन सेनेट के तौर पर हल्फ उठा रहे हैं। हुकूमती इत्तेहाद के सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। 48 वोट के साथ वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं और इस वक्त अपने ओहदे का हल्फ उठा रहे हैं और उनसे जो है कि हल्फ ले रहे हैं सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, जो कि सदरनशीन है आज के इस सेनेट के इजलास के। नाज़रीन, आज जो है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए सेनेट का इजलास जो है वो जारी है और इस वक्त जो है वो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो चुका है। सादिक संजरानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट बन चुके हैं 48 वोटों के साथ और वो इस वक्त अपने ओहदे का सिद्के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा कि पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा हलफ उठाता हूँ कि सेनेट के चेयरमैन की हैसियत से और जब भी कभी मुझे बहैसियत सदर पाकिस्तान का काम करने के लिए कहा जाएगा अपने फराइज़ और कामने मनसबी ईमानदारी और इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन सेनेट के चेयरमैन की हैसियत से और सेनेट के चेयरमैन की हैसियत से सेनेट के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सेनेट के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम बहबूदी खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा जो कयाम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने जाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर नज़रअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत तो बिला गज़ब व नात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। नाज़रीन, सादिक संजरानी साहब ने जो है वो इस
वक्त एज अ चेयरमैन सेनेट जो है वो अपना हल्फ उठा लिया है। आपको इस अहम खबर से आगाह करें, सादिक संजरानी ने चेयरमैन सेनेट के तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। और अब से कुछ देर में नाज़रीन हम ये देखेंगे कि डेप्टी चेयरमैन के इंतखाब का अमल भी जो है वो शुरू हो जाएगा। सादिक संजरानी साहब जो है वो इस वक्त अपने ओहदे का हल्फ उठा चुके हैं। हुकूमती इत्तेहाद के सादिक संजरानी ने 48 वोट हासिल किए हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने 42 वोट हासिल किए, 7 वोट इस दौरान। कोई भी बात अगर सिक्योरिटी स्टाफ प्लीज सबको बिठाएं, तशरीफ रखें जी, मुअज्जज अराकीन और बाकी तमाम लोग तशरीफ रखें जी। सेनेटर सरदार शफीक तरीन साहब तशरीफ रखें, मुसद्दिक मलिक साहब प्लीज, अनवर लाल दीन साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने तमाम कुलीग्स का जो जिन्होंने मुझे वोट दिया और इस काबिल समझा कि फिर से मुझे चेयरमैन कि मैं। उसके बाद मैं जनाब इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान, पीटीआई के तमाम लीडरशिप, स्पेशली परवेज खटक साहब और जनाब जाम कमाल खान साहब जो हमारे पार्टी के सरबराह हैं, शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे हाउस का तहे दिल से मशकूर हूं। और ये यकीन दिलाता हूं कि मैंने जैसे 3 साल पहले चलाया उसी अंदाज में इस हाउस को और सबको साथ लेके चलूंगा इंशाल्लाह। अब डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन का प्रोसेस है। नाउ आई विल अनाउंस द नेम्स ऑफ द कंटेस्टिंग मेंबर्स फॉर द ऑफिस ऑफ द डिप्टी चेयरमैन।